कर्फ्यू का सातवा दिन और आज हम सामरगंज थाना या सामरगंज चौकी के पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। आज कल से बरेली के अंदर एक सुभाष नगर में जब से केस मिला है और भी लोग जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं और बहुत जरूरत की चीज़ों का यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेडिकल के ऊपर जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें दवाई की ज़रूरत है बड़ी है, से लोग निकल रहे हैं। अन्यथा किसी भी पब्लिक का यहाँ पे कहीं पे भी कोई रुझान नहीं है आने जाने का। सिर्फ ज़रूरतमंद है, हमारी मुस्तैदी से पुलिस यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है, लोगों को आने जाने वाले लोगों को देखती है और उनसे पूछताछ करती है। अगर ज़रूरतमंद है तो उन्हें जाने दिया जाता है, अन्यथा किसी को यहाँ से एंट्री या बाहर नहीं जाने दिया जाता। किस काम से निकले हुए थे आप? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेडिकल के लिए संबंधित निकले हैं और ऐसे ही ज़रूरतमंद लोग भी निकल पा रहे हैं, अन्यथा कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसा कोरोना का डर और जनता कर्फ्यू का पालन मोदी जी के आह्वान पर किया जा रहा है। हम जल्द ही अच्छा कोरोना वायरस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सभी हम तो घर से आज निकले हैं, अभी ज़्यादातर एनएच का हमारा है, अगर एनएच का होता तो वहाँ चले जाए। देखा आपने, ये कर्फ्यू के दौरान, जनता कर्फ्यू के दौरान अभी नहीं निकले और अभी इतनी दिक्कत होने के बाद जब आप से इंफेक्शन हो गया तो ये डॉक्टर को दिखाने निकले। ठीक है माता, आज बरेली में आपको हमने ऑल राइट के माध्यम से हर चौराहा दिखाया, सामतगंज दिखाया, सैदाना दिखाया, डीलापीर चौराहा दिखाया, ब्रिस्टन चौराहा, हमारे कैमरामैन अमरजीत और ऑल राइट से विशाल श्रीवास्तव, बरेली की न्यूज़।